आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरुआत आपने कितनी भी बेहतरीन की है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंत आपका शुरुआत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के स्तंभर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 कुछ 2025 में आपको बोर्ड का पेपर देना है, अगर आपने ठान लिया कि 2025 में मुझे 95+ लेकर आना है, तो आपको ये 5 गलती भूल कर भी नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी स्टूडेंट ये 5 गलती आज के इस वीडियो से सुधार लिया उसको 2025 में 90+ फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आज के इस वीडियो में 5 पॉइंट आपको बताया जाएगा और इसमें चौथा और पांचवा वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि ये आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है। इस बार आपको बोर्ड का पेपर देना और आपका एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर की वैल्यू आप उस स्टूडेंट से पूछो जो एक नंबर से फेल हो गया, या फिर एक नंबर से उसका फर्स्ट डिविजन रुक गया, या फिर एक नंबर से उसका स्टेट रैंक में नाम नहीं आया। इसलिए इस बार जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अभी जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, पूरे प्रदेश में जिस बच्चे ने रैंक 1 हासिल किया वो भी शुभम क्लासेस का स्टूडेंट है। यहां पर 96, 96, 97% बहुत सारे स्टूडेंट शुभम क्लासेस से पढ़कर लेकर आए। इन सारे बच्चों से मैंने पर्सनली इंटरव्यू किया, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, किस तरीके से इन्होंने कौन सी मिस्टेक साल भर नहीं की, और वो 5 पॉइंट मुझे पता चला और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ताकि बोर्ड के पेपर में आपका एक भी नंबर न कटे। इसलिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस के बैच से जुड़े हुए थे, तो आप किस तरीके से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो, कैसे इसमें सभी विषयों की तैयारी होगी, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए अंत तक देखना, क्योंकि ये आपके काम की वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर करना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप सबसे पहली गलती क्या करते हो, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका बोर्ड का पेपर है वो फरवरी में होगा। अब इसमें 90% ऐसे छात्र होते हैं जो सोचते हैं हम पढ़ना कब शुरू करेंगे, जब बोर्ड का टाइम टेबल जारी हो जाएगा कि हमारा पेपर किस दिन है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब मार्केट में क्वेश्चन बैंक हो जाए, आ जाएगा, 2-3 महीने बच जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। और कुछ महाशय ऐसे भी होते हैं जब लास्ट का अंतिम 30 दिन बचता है तो वो सोचते हैं कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन मिल जाए जिससे पढ़कर हम टॉप कर जाए। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला मिस्टेक आपको ये नहीं करना है। आपको जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको आज से अपनी तैयारी बोर्ड परीक्षा की शुरू करनी है, क्योंकि आपको पता चल गया कि फरवरी में आपका पेपर है, आपके पास जनवरी तक का टाइम है। इसलिए अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे 95+ लेकर आना है, तो आपको आज से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 3 तरीके के छात्र नहीं बनने। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे नहीं, 95% ऐसे छात्र हैं जो ये गलती करते हैं। पहला कि वो सुबह स्कूल गए 7 से 12, फिर घर पर आए 4 से 7, फिर कोचिंग है, घर पर इन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडी तो 0 करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्कूल कोचिंग में लिखाया गया वही सिर्फ घर पर आकर उसका नोट्स बनाते हैं। तो इसको अगर आप सिर्फ नोट्स बनाओगे तो आप 60-70-75% स्कोर करोगे। अगर आपका सपना 95+ लेकर आना, तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट आपको घर पर आकर 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करने हैं। और इस सेल्फ स्टडी में आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन करना है, आपको समझना है वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप देख कर नोट्स बना रहे हो, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बना रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो आपने पढ़ा, अगर मैथ में आपको सर ने 10 क्वेश्चन कराए, तो अगर आपके प्रश्नावली में 5 बचे तो ये 5 आपका होमवर्क है कि सेल्फ स्टडी में आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डेरिवेशन अगर आपको स्कूल या कोचिंग में कराया गया, तो आप खुद से देखो क्या वो आप कर पा रहे हो घर पर कि नहीं कर पा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपको होमवर्क मिलता है वो आपको करना है, ना कि सिर्फ नोट्स बनाना है और फिर सुबह स्कूल कोचिंग चले जाना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सिर्फ स्कूल कोचिंग जाते हैं, घर पर 1 घंटे पढ़ाई नहीं करते। तो स्कूल कोचिंग आपने गया, घर पर पढ़ाई नहीं किया, तो फिर आप बहुत ज्यादा नहीं 75% स्कोर कर सकते हो। इसलिए सबसे दूसरा जो पॉइंट है कि आप खुद से एक सेल्फ स्टडी का टाइम निकालो, चाहे सुबह 2 घंटे पढ़ो, शाम को 3 घंटे पढ़ो, इस तरीके से, ताकि आप जो स्कूल कोचिंग में पढ़ रहे हो उसको घर पर आकर रिवाइज कर सको। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
वह कि अभी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स में 95, 96, 97% लेकर आए, लेकिन हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को इन्होंने इग्नोर किया और ये दो सब्जेक्ट में इनका 55 या फिर 60 नंबर आया। तो ये दो सब्जेक्ट की वजह से इनका पूरा पूरा परसेंटेज बिगड़ गया। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरुआत से आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके सभी विषय 100 नंबर के हैं। हर सब्जेक्ट आपको 20% दिलाएगा आपके परसेंटेज में। इसलिए तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर सब्जेक्ट पर फोकस करना है। हर सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है, यह नहीं कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते जा रहे हो या सिर्फ मैथ पढ़ते जा रहे हो। हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। तो जो भी आपका टाइम टेबल बनेगा, जो भी सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा, उसमें हर सब्जेक्ट के लिए टाइम होना चाहिए, ताकि आप हर सब्जेक्ट पर पूरा फोकस कर सको और हर सब्जेक्ट में आप 95 प्लस स्कोर कर सको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपके लिए मैंने बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब क्लास 10th में 12th में आते हैं तो वो बहुत जोश में रहते हैं कि इस बार मैं बोर्ड के पेपर में ऐसा रिजल्ट लेकर आऊंगा कि मेरा नाम अखबार में आएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं, अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक सितंबर तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब तो मैं बहुत तेज हूं, यही पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया का लगते यूज करने या फिर ऐसे फालतू चक्करों में पड़ जाते हैं, या फिर देखते मेरा दोस्त तो बहुत कम पढ़ रहा है, मैं इतना क्यों पढ़ रहा हूं, मैं भी तो 12th में हूं, मैं भी थोड़ा मस्ती कर लेता हूं, मैं भी थोड़ा शादी अटेंड कर लेता हूं, दिवाली मना लेता हूं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। इसलिए जितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इसी कंसिस्टेंसी से, इसी रेगुलरिटी से आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक मेहनत करना है, जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरुआत आपने कितनी भी बेहतरीन की है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंत आपका शुरुआत से भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है जो आपकी पूरी पढ़ाई, जो यहां पर आपने 4-5 महीने पढ़ाई किया वो सारा बर्बाद करके पता चला एग्जाम के अंतिम 1-2 महीने में आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, आपका परसेंटेज आया 60%। तो इसलिए चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और ऐसे जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन सभी चीजों से दूर रहना है और जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो उसी तरीके से पढ़ते रहना है, और जब एग्जाम करीब आए तो खुद को और एक्सीलरेट करके और मेहनत करना है, ताकि लास्ट टाइम पर जब एकदम क्रूशियल टाइम है आपका एग्जाम का, तब उसमें आप अपना 100% दे सको। फिफ्थ जो पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो बहुत बच्चों की यह शिकायत रहती है कि सर मुझे क्लास में समझ नहीं आता। देखो समझ नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन है ना कि आप या तो स्कूल या कोचिंग में जब आपको नहीं समझ में आता, सबसे बड़ा रीजन है कि आप क्लास को बंक करने लगते हो, या फिर जब आप YouTube पर लाइव क्लास पढ़ो, ऐप पर लाइव क्लास पढ़ो, तो आप 2-3 लेक्चर छोड़कर चौथा लेक्चर देखोगे आपको कहां से समझ में आएगा। इसलिए समझ नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप क्लास में इरेगुलर हो, आप डेली क्लास में नहीं आ रहे हो। तो सबसे पहले आप हर क्लास में डेली आना शुरू करो, आपको 100% समझ में आएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी मन किया आपने 6 घंटे पढ़ लिया, कभी मन किया आपने 2-3 दिन तक किताब ही नहीं छुआ, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे 4-5 घंटे पढ़ने। नहीं मैं बोल रहा हूं कि आपको 24 घंटे दिन में पढ़ने, लेकिन 4-5 घंटे ऐसे हैं जो आपको हर दिन पढ़ने, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा देखो बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ते रहते हैं दिन भर, उनके पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा हमेशा पढ़ता रहता है, लेकिन परसेंटेज आता है 70-72%। ये इसके पीछे रीजन क्या है ना, जब आप पढ़ रहे हो आपके पास मोबाइल है, आप पढ़ रहे 10 मिनट पढ़े, फिर यहां पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, 15-20 मिनट यहां लगा दिए, फिर आप पढ़े, इस तरीके से आपको कोई फोकस नहीं रहता है, आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हो बस आप दिखावा कर रहे हो। तो ये आपको तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ दिखावा नहीं करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ना है और पढ़ते टाइम आपको फोन नहीं यूज करना है।
चौथा, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्हें बस मोबाइल में लेक्चर देखे, उन्हें लगा हो गया, मुझे समझ में आ गया। मैथ के क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, जो सॉल्व हुआ देख लिया ऐसे से सॉल्व होगा। मैथ के क्वेश्चन को बहुत बार ऐसा होता है हमें लगता है हो जाएगा, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो वो सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए मैथ हो गया और ऐसे जितने सब्जेक्ट हैं, कोशिश करना है लिख लिख कर खुद से सॉल्व करने की, क्या हम सच में कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर सॉल्व करने के लिए आएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए नहीं आएगा। तो आपको प्रॉपर किस तरीके से आप आंसर लेकर आओगे, आप ये लिख लिख कर सॉल्व करोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। पांचवा, बहुत बच्चे बोलते हैं जब मैं पढ़ने जाता हूं तो नींद आने लगता है। जब आप बिस्तर पर बैठकर पढ़ोगे तो आपको नींद आएगा ही। आप जब पढ़ रहे हो तो आपका टेबल चेयर या फिर जो भी आपके घर में सुविधाएं उपलब्ध है उस पर बैठकर करो, सोकर पढ़ोगे तो सोकर आपको नींद आना 100% तय है। और यहां पर जो छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो फोकस होकर नहीं पढ़ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप इधर उधर पूरे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप इधर उधर बात करो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, आपने 100 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एक ही चैप्टर को आप 3 महीने से पढ़ रहे हो, अलग अलग जगह कई जगह से आप चैप्टर 1 पढ़ो, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आपने 1-2 चैनल सेलेक्ट कर लिया, आपको वहां से समझ में आ रहा है, अब वहीं से आपको पढ़ना है। और ऐसा भी बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो अब 2 मिनट का लेक्चर यहां देखे, फिर 2 मिनट का वहां लेक्चर देखे, 2 मिनट का यहां लेक्चर देखे। लेक्चर एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का 1 घंटे का था, लेकिन आपने 2 मिनट देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए पूरे लेक्चर को देखना है और सही जगह से पढ़ाई करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पर, आपको ऐसे भी टीचर है जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट अकेले पढ़ा दे रहे हैं क्लास 12th का। तो आपको ऐसे टीचर का चुनाव करना है जो आपको हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से समझाकर, आपको कि रटने पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको समझने पर फोकस करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ दे तो भी आप समझे रहोगे तो उसका आंसर बना कराओगे, और रट कर जाओगे तो क्वेश्चन सेम आया तो कर पाओगे, अगर सेम नहीं आया तो फिर तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को ये 5 पॉइंट में कोई भी गलती नहीं करना है, और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि कौन सी गलती अभी आप कर रहे थे। और जो भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि अभी जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, जिस बच्चे ने 900 में से 489 अंक लेकर आया, शुभम वर्मा, इनका पूरा इंटरव्यू शुभम क्लासेस पर मैंने और मेरी टीम ने लिया है, A to Z। ये बच्चा शुभम क्लासेस से पढ़ा था, अनुज कुमार मिश्रा क्रैश कोर्स है, अभिनव बांध, सोनाली वर्मा, श्रेयांश कुमार, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास 12th में जो 96 से 97% लेकर आए। हर्षित वर्मा 97% 10th में, 96% 95%। तो अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप शुभम क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा आपको शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच में जुड़ना है, जो हिंदी मीडियम का सबसे नंबर 1 बैच है। क्योंकि इसमें आपको सभी विषयों के अलग अलग टीचर सभी विषयों की तैयारी कराएंगे, और अभी आप जुड़ोगे तो लेसन 1 से पूरी तैयारी कराएंगे, और आपको एग्जाम टाइम में जो हमारा क्रैश कोर्स और ब्रह्मास्त्र बैच है वो भी इस बैच के साथ आपको फ्री मिल जाएगा। सर इसमें मिलेगा क्या, आपको सभी सब्जेक्ट के लाइव क्लास मिलेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर एग्जाम तक रहेगी, टॉपर्स नोट्स मिलेंगे, स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे, 1 शॉट रिवीजन आपको कराया जाएगा, पिछले साल का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, डाउट क्लास होगा, स्पेशल ट्रिक A to Z पूरी तैयारी, हर संडे को टेस्ट होगा। और अभी सबसे प्लस पॉइंट है कि इसकी फीस सिर्फ 1799 रुपए चल रही, 1799 रुपए आपकी एक साल सभी विषयों की, और इसके साथ आपको क्रैश कोर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैच बिल्कुल फ्री में। इसलिए आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपकी इस तरीके से इस साल तैयारी होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग के साथ 17 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं, और इस बार की तैयारी ऐसी होने वाली है कि आप याद रखोगे कहीं से 10-12 की तैयारी किए थे। इसलिए बिना देर किए आप क्लास 12th में या क्लास 10th में आपको डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिस पे 1 लाख डाउनलोड है, शुभम क्लासेस क्लास 10-12, इसको डाउनलोड करोगे, कोई भी बैच में जुड़ने में समस्या आ रही है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर, शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके हमें आपके बैच में जुड़ना है। आपको इस बैच में शुभम क्लासेस ऐप पर ये पूरा बैच चलेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी और से पेमेंट कराना चाहता है और अपना नंबर जुड़वाना चाहता है किसी भैया से, अपने माता पिता से, अंकल से, साइबर कैफे से, तो उसके लिए भी शुभम क्लासेस का आपको ये स्कैनर है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो ये नंबर ऑफिशियल है जिसपे आप
पेमेंट कर कर इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे 1799 रुपए सर मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा नंबर जोड़ दीजिए, आपका नंबर 15 मिनट के अंदर में जोड़ दिया जाएगा। जो बच्चे ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं उनको ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर पेड कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, पेड कोर्स में जाना है, फिर पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपका नंबर मांगेगा। अब यहाँ पर अपना नंबर डाला, यहाँ पर सबमिट किया, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप पर आपके लिंक आएगा, परचेज लिंक शुभम क्लासेस की टीम के नाम से, ठीक है शुभम क्लासेस थैंक। फिर यहाँ पर इस पे लिंक पर क्लिक करोगे, फुल नेम फोन नंबर मांगेगा, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर यूपीआई पेटीएम फोन पे गूगल पे सारा ऑप्शन रहेगा, यहाँ से आप पेमेंट कर ज्वाइन हो सकते हो। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, हर विषय की तैयारी आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक कराई जाएगी, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा, आपका 2 से 3 बार कराया जाएगा, इसलिए बिना देर के जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लो। ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि अच्छी चीज शेयर करोगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हो और जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें, तो मैंने एक वीडियो बनाया जून से पढ़कर आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, जिसको ऑलरेडी 4 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो शुभम क्लासेस पर और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक है, जाकर देख लेना, ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।